please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्कर्ष तेरे बड़ी खबर अमेठी से, जहां गौरीगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की खबर सुनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना काफिला बीच में ही रोक दिया। गौरीगंज में बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। राहुल गांधी को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने गौरीगंज और मुजफ्फरखाना के बीच ही अपना काफिला रोक दिया और कार्यकर्ताओं की शिकायत सुन रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर राहुल गांधी को दूसरे रास्ते से ले जा रही है ताकि वो कार्यकर्ताओं से न मिल पाए। राहुल गांधी का रूट डाइवर्ट करने के बाद राहुल गांधी ने आधे ज्यादा ज्यादा पैदल शुरू किया है और इस वक्त राहुल गांधी जिन रूटों पर मनाही है उन्हीं रूटों से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार राहुल गांधी आगे बढ़े जा रहे हैं। उनका काफिला देख सकते हैं, जितने कांग्रेसी हैं गौरीगंज अमेठी और आसपास के इलाकों के तमाम लोग राहुल गांधी के उस रूट से आगे जा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी को जाने को मना किया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद राहुल गांधी ने उसी रूट से जाना बेहतर समझा है और आगे देख रहे हैं कि राहुल गांधी को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, अमेठी, न्यूज 18 इंडिया। उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, ताजा अपडेट आपसे चाहेंगे। हालांकि आरोप जो कार्यकर्ता लगा रहे हैं वो ये कि जानबूझकर रूट डाइवर्ट करने के लिए पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए नवजोत, कहीं ना कहीं इस आरोप में कुछ हद तक सच्चाई नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी का जो प्लान था उसमें गौरीगंज को जाना था और वहां उनको लोगों से मिलना था, कार्यकर्ताओं से मिलना था, स्वागत की तैयारी थी। गौरीगंज में राहुल गांधी के पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया और उसके बाद गौरीगंज से कुछ पहले राहुल गांधी को एक बाईपास के जरिए जायज की ओर भेजा गया। उस रूट पर जब वो आगे बढ़े और वहां जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे, उन्होंने बताया कि गौरीगंज राहुल गांधी नहीं जा पाए हैं, पुलिस ने उनका रूट डाइवर्ट कर दिया है और इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं दी गई। और साथ ही साथ गौरीगंज में जो पुलिसिया बल प्रयोग हुआ है उसके बारे में जब राहुल गांधी को बताया गया तो उन्होंने अपना काफिला रास्ते में ही रुकवाया, कार्यकर्ताओं की पूरी शिकायत सुनी, बात सुनी, पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो गौरीगंज जाएंगे। भले ही पुलिस उस रूट को डाइवर्ट किए, वो पैदल आगे बढ़े और पूरा का पूरा जो गौरीगंज का मार्केट है जहां तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, उस पूरे हुजूम को लेकर, उस पूरे कार्यकर्ताओं की भीड़ को लेकर वो गौरीगंज में गए। पूरे गौरीगंज में उन्होंने मार्च किया और अब उसके बाद गौरीगंज में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो जायज की ओर, जो कि उनका प्रोग्राम पहले से तय था, वहां आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर अगर हम इन तस्वीरों को देखें तो उत्कर्ष, कहीं ना कहीं जो एसपीजी सुरक्षा उनको मिली उसमें भी कहीं ना कहीं ढील हुई नजर आ रही है। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि पुलिस ने उस पूरे के पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया था, वहां जाना मना कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने एकदम से ये फैसला किया है कि वो गौरीगंज जाएंगे। तत्काल जो पूरा का पूरा प्लान है वो फिर से बनाना पड़ा, जो उनकी गाड़ियां थी उनको, क्योंकि वो छोटी सड़कें हैं, सकरी सड़कें हैं, उनको मोड़ा गया और राहुल गांधी उस बीच गाड़ियों से उतरे, कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चले। खासी मशक्कत एसपीजी और उनकी जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको इस बात को लेकर करनी पड़ी, उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरना पड़ा। जितने कार्यकर्ता थे वो लगातार गुस्से में थे क्योंकि राहुल गांधी का प्रोग्राम वहां उनको आने नहीं दिया गया तय होने के बावजूद, तो उन्होंने भी राहुल गांधी को घेर रखा था। राहुल गांधी खुद सबसे बात कर रहे थे तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस दिक्कत का भी सामना सुरक्षा कर्मियों को काफी हद तक करना पड़ा। बिल्कुल, नजरा बनाए रखिए उत्कर्ष, लौटेंगे आपके पास। अगली बड़ी खबर अहमदाबाद से जनक दवे दे रहे हैं। लापता होने के बाद अस्पताल में मिले विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने राजस्थान पुलिस पर अपने एनकाउंटर की साजिश का आरोप लगाया है। तोगड़िया ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अपने लापता होने और मिलने के बाद तोगड़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो पर निशाना साधा है। तोगड़िया ने कहा कि उनके कमरे में आकर एक आदमी ने पुलिस की साजिश के बारे में उन्हें बताया, जिसके बाद वो अपने सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अकेले ऑटो से निकल गए, लेकिन बाद में तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुबह में पूजा पाठ कर पूरा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं, हम मौत से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले। कुछ समय से मेरी आवाज दबाने का हर संभव प्रयास होता रहा। देश के 10,000 डॉक्टर मैंने तैयार किए जो गरीबों की सेवा करे,
सेंट्रल आईबी ने उनके घरों पर जाकर डराना शुरू किया। मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और वही क्रम में सेंट्रल आईबी अनेक चीजें आज भी करने लगी है जिन केस की जानकारी भी मेरे पास नहीं है। वह 20-20 साल के देश भर के केस निकलवा कर अरेस्ट करके एक जेल से दूसरी जेल में भेजकर डराने का क्रम गुजरात से शुरू हुआ और वह गिरफ्तारी वारंट लेकर समन्स आता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, गिरफ्तारी का काफिला लेकर आया। यह हिंदुओं की मेरी आवाज दबाने के अनेक कदम का एक हिस्सा है। समय निकला और अंडर ब्रिज से आगे गया, चक्कर आने लगा, पसीना आने लगा, ध्यान में आया कि गड़बड़ है। मैंने कहा कि बापूनगर, मैंने एयरपोर्ट जाने का कहा था, मैंने कहा कि बापूनगर लेकर धनवंतरी हॉस्पिटल पहुंचाओ। थोड़ी देर में पता नहीं चला और जब रात को पता चला कोई हॉस्पिटल में था। रात को करीबन 11:30-12 बजे मेरी बातचीत करने की स्थिति बन रही थी, तब मेरे फिजिशियन सब यहाँ पर थे। यह घटना का क्रम है। मैं सभी कार्यकर्ता को विनती करूंगा कि सब शांति बनाकर रखें और कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन न करें। और मैं डॉक्टर मुझे अनुमति देंगे, अभी भी बता रहे हैं कि लंबे समय के बेहोशी के कारण मेरी पल्स भी 140 से ज़्यादा और इरेगुलर है। मेरी गुजरात पुलिस से कोई कंप्लेन नहीं है, मेरी राजस्थान पुलिस से भी कंप्लेन नहीं है। गुजरात पुलिस से इतना कहना है कि मेरी रूम का सर्च वारंट आप क्यों करने जा रहे थे? मैं क्रिमिनल हूँ क्या? मैं अभी लॉयर को मेरी रूम के दरवाजे पर बिठाकर सूचना दी है। जब गुजरात पुलिस कहेंगी मैं पुलिस और मीडिया के साथ ही मेरे रूम में जाऊँगा। मेरी रूम में अनैतिक कानून विरोधी एक भी चीज़ नहीं है। मेरी तीन ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। मैंने रास्ते में राजस्थान के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का संपर्क करवाया। दोनों ने कहा कि हमारी ओर से कोई पुलिस नहीं आई है, ये झूठ है। यदि आपकी गिरफ्तारी करने आए तो हमें पता होगा। मैंने तुरंत मेरे सभी फोन स्विच ऑफ कर दिए ताकि मेरा लोकेशन ट्रेस न हो। अब मैं राजस्थान के पुलिस के हाथ में आता तो मेरे विरुद्ध में लंबे समय से षड्यंत्र मुझे कहीं पर भी नहीं रखने के चल रहे हैं। यह षड्यंत्र का शिकार बन रहा था तो मैंने फैसला किया कि मैं फ्लाइट में जयपुर जाकर बिना पुलिस के बताए मेरे कार्यकर्ता को लेकर कोर्ट में जाऊंगा। मोटे जी कह रहे मेरा एनकाउंटर किया जा रहा था, मैं टाइम आने पर बताऊंगा किसने क्या मेरे को मारने की साजिश किसने करी। इसका खुलासा होना चाहिए क्योंकि आज सत्ता पक्ष के वो लोग हैं और उनके साथ अगर ये गठित हो सकता है, आतंकवाद कर सकता कोई व्यक्ति, तो आम लोग क्या सोचते होंगे।